ऑडिट आ रहा है, स्टैचुरी ऑडिट। तो स्टैचुरी ऑडिट का क्या मतलब है? एक ऐसा ऑडिट जो हमें कराना हर हालत में जरूरी होता है, हमको कराना ही पड़ता है, वैधानिक बोलते हैं। तो वैधानिक ऑडिट के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसी होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हमको ऑडिट करवाना होता है। ये लिखा हुआ है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमको ऑडिट कराना होता है। तो मतलब जब हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब किताब का ऑडिटिंग कंपल्सरी कर देते हैं किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं कंपल्सरी ऑडिटिंग या स्टैचुरी ऑडिटिंग। तो इस ऑडिटिंग के अंदर हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑडिटर होगा, ऑडिटर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स, रूल्स, रेगुलेशन, क्या रूल्स हैं फर्म के, बुक्स मेंटेन करने के, सारी बातें उसको पता होनी चाहिए। उसको ये भी पता होना चाहिए कि फर्म कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स को कंट्रोल करती है, सारी बातें उसके अंदर लिखी होती हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक जो ऑडिटर है ना, ऑडिटर को अपने कार्य क्षेत्र, योग्यता, अयोग्यता, ऑडिटर के क्या राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर का क्या सैलरी होगा, वट एवर जो भी है, सारी बातें पहले से ही फिक्स की हुई होती हैं। मतलब स्टैचुरी ऑडिटिंग के अंदर एक ऑडिटर को क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, उसकी सैलरी क्या होगी, काम करने के बदले उसको क्या मिलने वाला है, सारी बात पहले से पता होती है। किसमें? स्टैचुरी ऑडिट में। तो स्टैचुरी ऑडिट के मामले में पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स होते हैं, आप इन रूल्स एंड रेगुलेशन को बदल नहीं सकते। तो ऑडिटर के जो भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, आप उसको कम भी नहीं कर सकते। मतलब ऑडिटर के जो राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप कम नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज भी नहीं कर सकते, पर इसके अंदर आप अपने एग्रीमेंट को करके उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को या राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हो। क्योंकि यहां पर जो ऑडिटर होता है ना, ये एक ओनर की इच्छा पर निर्भर नहीं होता। मतलब मान लो एक बिजनेस है, इस बिजनेस में गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि तुमको हर हालत में ऑडिटिंग करवानी जरूरी है। कौन सी ऑडिटिंग? स्टैचुरी ऑडिटिंग। तो स्टैचुरी ऑडिटिंग के केस में इस कंपनी का जो मालिक है या फर्म का मालिक है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। ये ऑडिटिंग आपको हर हालत में करवानी होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी बात माननी होगी। रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही एक ऑडिटर की सैलरी भी मिलने वाली है। तो मतलब यहां पर जो ऑडिटिंग होगी ना इस कंपनी या फर्म के अंदर, ये कंपनी के मालिक की इच्छा पर नहीं होगी, उसको हर हालत में करवानी ही होगी। दैट्स इट। उसकी आंख बंद है या आंख खुली है, उसको ऑडिटिंग हर हालत में करवानी होगी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कंपल्सरी ऑडिटिंग। तो कहता है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑडिटिंग करवाना बहुत जरूरी है हर हालत के अंदर। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नंबर वन, कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले में जितने भी रजिस्टर्ड जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, उनको सबको ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के द्वारा जो भी कंट्रोल्ड बैंकिंग कंपनीज हैं, उनको भी ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 द्वारा जितनी भी कंट्रोल होती है ना बीमा कंपनियां, उनको भी ऑडिटिंग करवाना जरूरी है, कंपलसरी है। कुछ राज्यों के सहकारी समिति कानून के अंतर्गत जितने भी रजिस्टर्ड सरकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उन सभी को भी ऑडिटिंग करवाना जरूरी है। तो मतलब आपको यहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता दिए गए हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस को ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है। अब मान लो एमसीक्यू की मैं बात करूं तो इसमें क्या एमसीक्यू आ सकता है? क्या कंपलसरी ऑडिटिंग के केस में क्या आप ऑडिटर का सैलरी या जो पारिश्रमिक है आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को बदल सकते हो? यस, एक प्रस्ताव पास करके या उसके द्वारा समझौता करके। क्या ऑडिटर के अपने कुछ फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? यस, उसके फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको फॉलो करने पड़ते हैं। फिर स्टैचुरी ऑडिटिंग के केस में क्या एक फर्म के ओनर की इच्छा होती है क्या उसको अपॉइंट करें? तो आपका आंसर होगा नहीं, उसकी इच्छा पर नहीं होता।
ये जो ऑडिटिंग होती है करानी कंपलसरी होती है। फिर आपसे ये चार बातें भी पूछ सकता है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अंदर ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है। तो ये चार लाइनें, आपको पता होनी चाहिए। मान लो आपसे पहली लाइन वो पूछ ले कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है क्या उसमें कंपलसरी ऑडिटिंग होता है या नॉर्मल होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, कौन सा होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए स्टैच्यूरी ऑडिट होता है, मतलब कंपलसरी वाला ऑडिट होता है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे निकलते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो ये वाला जो पहला मैंने टाइप्स ऑफ ऑडिट का टॉपिक बताया, इसको हम बोल सकते हैं स्टैच्यूरी ऑडिट, बोले तो कंपलसरी ऑडिट। आपकी मर्जी के ऊपर नहीं है कि आप ऑडिटिंग करवाओगे तब ऑडिट होगा, नहीं, आपको हर हालत में ऑडिटिंग करवाना ही पड़ेगा, दैट इज स्टैच्यूरी ऑडिटिंग। फिर जो हमारा है नेक्स्ट वो है प्राइवेट ऑडिट। ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब किताब अंकेक्षक के लिए किसी प्रकार का वैधानिक बंधन नहीं होता। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें सोल ट्रेडर की या पार्टनरशिप फर्म की या कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और भी होती होंगी, है ना, तो जिनका हमें ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी नहीं होता, बट ये जब भी ऑडिटिंग कराते हैं इसको हम बोलते हैं प्राइवेट ऑडिट। तो प्राइवेट ऑडिट के केस में वो क्या कह रहा है, ऑडिट करवाना हमारा कंपलसरी नहीं है, ऑडिटिंग आपके लिए बंधन नहीं है, आप ऑडिट करवाओ ना करवाओ आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। कहता है कि जब हम प्राइवेट तरीके से ऑडिटिंग कराते हैं तो वो इन इन फर्मों में हो सकता है, तो ऑडिटिंग करवाना अथवा ना कराना इन ऑर्गेनाइजेशंस की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए प्राइवेट ऑडिट को हम वॉलंटरी ऑडिट भी बोलते हैं। क्या ये वॉलंटरी ऑडिट, बोले तो ऐच्छिक, आपकी मर्जी है, अगर आप कराना चाहते हो तो करा लो, नहीं कराना चाहते तो मत कराओ। तो इस प्रकार के ऑडिट में जो ऑडिटर के जो राइट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आप कैसे फिक्स करते हो, वो आप फिक्स करते हो समझौते के बेस पर। आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है ऑडिटर के साथ, उस एग्रीमेंट के बेस पर आप ये देखते हो कि एक ऑडिटर के क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसने कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, तो ये आप एग्रीमेंट पे डिसाइड करते हो। आगे कहता है कि अगर कोई छल कपट का त्रुटियों का पता लगाना है, आपको सेल्स टैक्स से इनकम टैक्स का पता करना है या गवर्नमेंट ऑफिसर को संतुष्ट करना है, तो आदि इसके लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। कि जब हम प्राइवेट ऑडिट कराते हैं ना तो क्यों कराते हैं, क्योंकि हमको फ्रॉड का पता करना है, मिस्टेक हमने कहां पे की, टैक्स कितना पे करना है, इनकम टैक्स कितना पे करना है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को हमें सेटिस्फाई करना है, तो ये सारे काम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइवेट ऑडिट करते हैं। तो इसीलिए इस ऑडिटिंग की जो सीमा होती है ना वो कौन फिक्स करता है, वो इनके जो मालिक होते हैं ना वो मालिक फिक्स करते हैं, वो अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई तेरे को इतना काम का आ गया है, इतना कर लियो, फालतू की बात मत करियो, फालतू काम मत करियो, तेरे को जो बस जितना बोला जा रहा है ना बस उतना कर लियो। तो समझ लेना वो कौन सा ऑडिट है, प्राइवेट ऑडिट। जबकि पीछे वाली ऑडिट में क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से फिक्स हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कराना है तो कराना है, बट इसमें क्या, इसमें आपकी मर्जी है, ऑडिटर के रूल्स एंड रेगुलेशन आप फिक्स कर रहे हो, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स कर रहे हो, जो कुछ बोल रहे हो आप आपके अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्राइवेट ऑडिट। तो प्राइवेट ऑडिट मतलब जहां पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हो या आप पार्टनरशिप चला रहे हो या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर कंपलसरी ऑडिटिंग नहीं होती है, तो वहां पर आप प्राइवेट ऑडिट को अप्लाई कर सकते हो।